इमरान भाई, क्या लगता है? आप तो पूरा देश दुनिया घूमते हैं, अब क्या रास्ता बच रहा है? बस सिर्फ एक रास्ता बच रहा है कि सरकार जो है अपनी जिद छोड़ के झुक जाए। वो ये मान ले कि उससे गलती हो गई, वो अपने वोटरों को साधने के लिए एक ऐसा कानून लेकर गया है जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धर्म प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को यहाँ ला के नागरिकता देना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वसुधैव कुटुंबकम वाला भारत है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप 303 सांसद हैं, बड़े मजबूत हैं, 56 इंची छाती है, पाकिस्तान को भी मिला लीजिए, बांग्लादेश को भी मिला लीजिए, हम लोग भाई भाई हो जाए, सब भाई भाई हो जाए, झगड़ा ही बिरयानी खाना, झगड़ा ही खत्म हो जाए। आप खा के आए हैं, मोदी जी खा के आए, हम भी जाके खाएं, आप भी खाएं, सब खत्म ही हो जाए झगड़ा। लेकिन दरअसल उनका मकसद ये नहीं, उनका जो एजेंडा है वो CAA नहीं है, उसके पीछे जो NRC है ना, वो 30 साल जो उन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर राजनीति करी है वो मुद्दा हो गया खत्म। अब उन्हें 30 साल इस पे करनी है, वो एक हिडन एजेंडा है इसके पीछे जो वो देश के सामने थोप रहे हैं, लेकिन उसको जो है फ्रेम उन्होंने किया है कि हम बाहर से प्रताड़ित लोगों को यहाँ ला। भाई आपने इससे पहले अदनान सामी को नागरिकता दी, आपने सलमा आगा को दी, दोनों तो मुसलमान है ना, आप बताएं कि आपने क्यों दी? अगर पाकिस्तान से आए हुए किसी मुसलमान को नागरिकता, पहली बात तो तस्लीमा हमारी मेहमान है, तस्लीमा को आपने आप जो फ्रेम बना रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि धर्म प्रताड़ित किसी मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे, तो इसमें तो तस्लीमा और आपकी बड़ी बड़े पसंदीदा तारिक फतेह कहीं फिट ही नहीं होते। तो आप खुद सोचिए कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं गलती है। और आप नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगने वाले कौन है? इस देश का आदिवासी कैसे देगा नागरिकता प्रमाण? इस देश का वो किसान कैसे देगा जो बिस्वा, दो बिस्वा, चार बिस्वा जमीन बटाई पर लेकर के अपने बच्चों के लिए अनाज उगाता है? उसके पास ना किसान बही है, ना उसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड की उसे जरूरत नहीं है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो बेचारा कहां से देगा? इस देश की 20 से ज्यादा घुमंतू प्रजातियां जो बंजारे हैं, मेरे पास नहीं है, मैं वो कहां से देंगे? इस देश के कितने प्रतिशत लोगों के पास कोई दस्तावेज ही नहीं है सीधे साधे? अच्छा, हम अपना नहीं, अपने दादा का दस्तावेज दें, मतलब हद है इस सरकार की। मतलब अजीब, ये तो मतलब ये कुएं के मेढक वाली बात है कि आप जो है लंबा बात ऐसा कर रहे हैं कि आप उसी में घूम के टर टर कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि यही दुनिया। दरअसल ये दुनिया नहीं है, इस देश ये विविधताओं वाला देश है। अब आज आप 70 साल बाद आके कहेंगे कि लाओ सर्टिफिकेट लाओ, कागज का कोई एक टुकड़ा हमसे बताएगा कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं? आपसे देश डिग्री मांग रहा है, आज तक आप डिग्री नहीं दिखा पाए, स्मृति ईरानी जी नहीं दिखा पाई, मोदी जी नहीं दिखा पाए, और फिर आप हमसे कहते हैं, जब हमसे वोट लेना था तब तो आपने नहीं कहा कि तुम भारत के नागरिक हो तभी हमें वोट दो। देश ने आपको वोट दिया, 303 सांसद दिए, आज आप एकदम अहंकार में होकर के कह रहे हैं कि अब हम तय करेंगे। दो इस देश में दो व्यक्ति तय करेंगे कि कौन नागरिक है कौन नहीं? मुझे लगता है जिद छोड़ देनी चाहिए सरकार को। संविधान को लेकर लगातार बातचीत हो रही, लोग लगातार अंदेशा जता रहे थे कि RSS का कोर एजेंडा है संविधान बदलना, क्या लग रहा है आप? वो स्थिति आ गई है, आती ही दिख रही है आपको? बिल्कुल, ये जो कानून लेके आए हैं ये संविधान की मूलभूत प्रस्तावना के खिलाफ है सीधे सीधे। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस दबाव में है कि उसने 4 हफ्ते बाद का समय दिया, जनवरी का समय दिया। मुझे लग रहा था उसे पहली हियरिंग पे जैसे याचिका स्वीकार की थी इस कानून को खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट। अखबार वाले जो नैरेटिव गढ़ते रहते हैं वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, जबकि यहाँ सारे गैर मुस्लिम लोग। दरअसल वो अखबारों का नैरेटिव नहीं है, जब देश का प्रधानमंत्री माइक से ये कहेगा कि पोशाक से तय करिए कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो मीडिया तो चरण चुंबन के लिए बैठी ही है, तो वो वही काम कर रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, आपको झारखंड में चंद लोगों का वोट लेना था इसलिए आपने पोलराइज करने के लिए जुमलेबाजी कर दी, लेकिन ये कितना खतरनाक बयान है आपको सोचना चाहिए, इस बयान के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर कपड़ों से देश में तय होगा कि कौन नागरिक है, कौन दंगाई है, कौन आतताई है, तो आप तो खुद को फकीर कहते हैं ना। फकीरों के वस्त्र वो तो नहीं होते जो आप पहनते हैं, 10 लाख का सूट कभी कोई फकीर पहनता है क्या? आपके 10 लाख वाले सूट की तस्वीर में हम आपको अडानी नाम दें या अंबानी नाम दें? आप लगातार JNU से लेकर तमाम, रोहित बेमुला हो, JNU का मामला था, नजीब का मामला था, अब लगता है कि आप जैसे लोगों के लिए भी जो दुनिया भर में पॉपुलर है उनके लिए भी बोलना मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह से रामचंद्र गुहा हो, उनको सुना कस्टडी में लिया गया है, आपको भी कहीं ना कहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है सबको डराया जा रहा है। देखिए, ये बड़े शातिर, बड़े ढीठ और बड़े क्रूर लोग हैं, वो पहले आपको डराएंगे पुलिस की लाठियों से, जब आप उससे भी नहीं डरेंगे तो फिर आपकी आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश करेंगे, उनके आनुषंगिक संगठनों के लोग आपको मार देंगे,
मार दिए गए लोग। लेकिन एक बात मैं ये भी कहता हूँ, एक वक्त के बाद डर खत्म हो जाता है। मैं इस देश में पिछले 25 सालों से, जब से मैं समझने लायक हुआ, मैं पहली बार लोगों के अंदर से डर खत्म देख रहा हूँ। मार देंगे, मार दीजिए, लाठी बरसाएंगे, बरसाइए। इस वक्त बरसी हुई एक एक लाठी हमारे लिए तमगा हो। मेरे बदन से बहा हुआ खून का एक कतरा शायद इंकलाब की आमद का बायस बन जाए। मुझे डर नहीं, मार दीजिए। क्या लग रहा है, एक नैरेटिव जो था, जो तमाम वो सेकुलर पार्टियां हो, तमाम वो नेता थे जिनको कहा जाता था कि आप मुस्लिमों के साथ खड़े होंगे तो आप पोलराइजेशन हो जाएगा हिंदू वोटों का, वो मिथक भी इस बार टूट रहा है। इस मुद्दे पर सारे दल आपके साथ हैं। दरअसल इसमें आपने लोगों के व्यक्तिगत वजूद पर चोट करी है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। आप जब नोटबंदी लाए थे तो आपने कहा था ये सिर्फ काले कारोबारियों के लिए। लाइन में तो हमें भी लगना पड़ा था, आपको भी लगना पड़ा था, इनको भी लगना पड़ा था, भगवती चाचा को भी लगना पड़ा था, सीताराम को भी लगना पड़ा था, रहमान साहब को भी लगना पड़ा था। तो मेरे भाई ये कानून भी बिल्कुल नोट हासिल कुछ नहीं होना है। आसाम में क्या हासिल कर लिया आपने, ऐसे पूरे देश में आप हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देश को अराजक बना के रखना चाहते हैं क्योंकि लोग आपसे रेप पर सवाल ना पूछें, लोग ये ना पूछें कि आपके विधायक ने रेप किया, आपने कोई टिप्पणी क्यों नहीं करी, लोग आपसे ये सवाल ना पूछ लें कि प्याज 200 के पार है, सस्ती क्यों नहीं हो रही, लोग आपसे ये सवाल ना पूछ लें कि जिस डॉलर को आप कह रहे थे कि रुपए के बराबर, रुपया डॉलर के बराबर आ जाएगा, वो गिर करके आज रुपया कहाँ पहुंच गया डॉलर के मुकाबले, ताकि लोग आपसे सवाल ना करें। आप इन 6 सालों में दे कुछ नहीं पाए, सिर्फ अराजकता दिया है। आप लोकतंत्र, आप मुझे बताएं देश में लोकतंत्र है ना? आप हमारे खिलाफ कानून बनाएंगे, आम जनता के खिलाफ कानून बनाएंगे और फिर आप कहेंगे कि तुम निकल के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम करें क्या? आज उत्तर प्रदेश के DGP महोदय इंटरव्यू में कहते हैं कि लोग जो है खत लिखें, सड़कों पर ना निकलें, एहतजाज और विरोध के लिए लोग चिट्ठियां लिखें। मेरे भाई आप हम फेसबुक पे पोस्ट लिखेंगे, आपकी पुलिस आके घर से उठा ले जाएगी। मतलब मिस कॉल से मेंबरशिप और बिल्कुल वही वही मसला है, सब उसमें शामिल हो, पूरा सिस्टम शामिल हो। एक सीरियस सवाल है, मतलब कैसे, चूंकि आप एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है, आप उस देश के यूथ हैं, यूथ आइकॉन हैं, एक समाज के भी आइकॉन हैं और सारे वो अमन पसंद लोग, सेकुलर लोग आपको सुनते हैं, कैसे एक सोशल ब्रिज बनाया जाए? चूंकि हालात इस तरह से हो गए हैं, टीवी अखबार आपके पास इस नहीं, वक्त जो है हम सबको दलों के दायरे तोड़ करके, मजहबों के दायरे तोड़ करके, सामाजिक जो एक गैप है उसको तोड़ करके हमारे पढ़े लिखे लोगों को सामने आना पड़ेगा, आम लोगों को समझाना पड़ेगा कि यह कानून कितना खतरनाक है। और अपने ये आंदोलन लंबा जाएगा, जल्दी ये भी झुकेंगे नहीं और जल्दी जनता भी झुकने के मूड में है नहीं, इस बार दबने के मूड में नहीं। तो अपने आंदोलन को बचाइए, सतर्क रहिए। इन शातिर लोगों, साजिशी लोगों से अपने आंदोलन को कैसे बचा सकते हैं इस पे सोचिए। कैसी साजिश? बिल्कुल, ये आपके आंदोलन को हिंसक कर देंगे। आंदोलन चलता रहेगा, 15-20-25-50 लोग मुंह पे कपड़ा बांध के आएंगे, गाड़ियां फूंक देंगे और उसके बाद फिर इनको मौका मिल जाएगा आपका दमन करने का। तो बिल्कुल एकदम पीसफुल गांधी का रास्ता पकड़िए, अपने हाथों में अंबेडकर की तस्वीर लीजिए, अपने हाथों में मौलाना आजाद की तस्वीर लीजिए, अपने हाथों में गांधी की तस्वीर लीजिए। अगर आप अलग अलग मजहबों के मानने वाले हैं तो उन्होंने भी शांति की बात करी है, बुद्ध ने हमेशा शांति की बात करी, मोहम्मद साहब ने जब उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, एक बुढ़िया रोज कूड़ा फेंकती थी, कभी पलट के उसको जवाब नहीं दिया। एक दिन उसने नहीं फेंका तो उसका हालचाल लेने के लिए उसके घर गए, इससे बड़ा अहिंसक आंदोलन क्या हो सकता था। तो धार्मिक विश्वासों वाले लोग भी अपने धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक रहनुमाओं की जिंदगियों में झांकें और ये सोचें कि इस आंदोलन को इस तानाशाह सरकार से कैसे निपटा जा सके। लेकिन ये सरकार तो वोट से डरती है या फिर तभी डरती है जब पॉलिटिकल पार्टियों का अलायंस होता दिखे या पॉलिटिकल पार्टी के लोग सड़कों पर। देखिए विपक्ष को सड़कों पर आना पड़ेगा, ये जनता ला देगी। इस बार मैं युवाओं को इतना मुखर देख रहा हूँ कि इससे पहले मैंने कभी इतना मुखर नहीं देखा। इतने मुखर हो गए कि मजबूर होकर के लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं स्वतः आया हूँ, मेरे जमीर ने मुझसे कहा कि मुझे आना है। कुछ लोगों का जमीर मरा हुआ है, उनको ये जनता कह देगी आ जाओ वरना अगली बार तुम्हें सीन से गायब कर देंगे, तुम फ्रेम में नहीं रहोगे, सियासत करने लायक नहीं रहोगे। तो मुझे लगता है ये जनता लेके आएगी और आना पड़ेगा, पूरे विपक्ष को आना पड़ेगा। क्योंकि आज जो ED से डरे हैं, CBI से डरे हैं, खुदा करे, ईश्वर करे, भगवान करे, उनका डर खत्म हो जाए, हमारा खत्म हो चुका है। मैं कोई नज्म के लिए तो नहीं कहूँगा, हाँ, मौका भी नहीं है। हाँ, कुछ लेकिन कुछ मुफीद लगता है जिसको आप बयां करें, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि एक डर तो सबके मन में था, वो डर भी निकल गया। अब चूंकि मुझे लगता है ये लास्ट बैटल है, पिछले 70 सालों में जब देश आज़ाद हुआ है तो इस तरह की चीज़ें नहीं आई थी, अब उस पर कुछ तो कहेंगे आप, ताकि कैसे मैसेज। मैं हर जगह जाके कह रहा हूँ,
कि अमित शाह जी नहीं तय कर सकते कि हम इस भारत के नागरिक हैं या नहीं, एक कागज का टुकड़ा नहीं तय कर सकता। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। ये जो नाता है इसकी दुहाई हम किसी अमित शाह को नहीं देंगे, इसका सर्टिफिकेट हम किसी नरेंद्र मोदी जी को नहीं देंगे। हम इस भारत के नागरिक हैं, हम इसकी मिट्टी से पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, इसी में मिलेंगे। आप चाहते हैं कि आज आप हमें मार दें तो मार दीजिए, हम आपके सामने खड़े हैं, आपके पास बंदूकें हैं, लाठियां हैं, बरसवाइए, हम तैयार हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है, हिंदू मुस्लिम करने का नया तरीका है। आप मुझे बताइए कि हाँ, उनका तो मंशा यही है, लेकिन इसमें आपको कोई झंडा दिख रहा है? सिर्फ आपको तिरंगा दिख रहा है, लोगों के हाथ में तिरंगा है। बिल के बारे में कह रहा हूं, बिल तो पूरी तरह से उनकी मंशा, उसके पीछे कैब और एनआरसी दोनों को साथ जोड़ के देखेंगे तो उनका हिडन एजेंडा समझ में आ जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, टाइम देने के लिए। तो ये हालात है इस देश के, और लोग जो है, एक बात जो सबसे अहम कहा उन्होंने कि डर तो खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है, और लोग लगातार सर को पड़ा रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।